हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गर्भावस्था, गर्भावस्था में होने वाले कष्ट और उनका उपचार। यानी कि जो प्रेगनेंसी है उस समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको वो किस तरह से फेस करें, उनका किस तरह से ट्रीटमेंट लिया जाए। अब हम बात करें गर्भावस्था यानी कि माँ बनना। माँ बनना नारी के लिए एक सुखद अनुभूति लाता है। हर नारी अपने जीवन में माँ बनना चाहती है और इस माँ बनने की प्रक्रिया में अगर हम बात करें जो कि 9 महीने 7 दिन की होती है, उसमें स्त्री को थोड़े बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। वैसे तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, उसके शारीरिक रूप से कुछ बदलाव आते हैं, मानसिक रूप से भी आते हैं। और वो अगर हम कष्ट की बात करें तो छोटे मोटे कष्ट होते हैं जिनको वो आसानी से झेल लेती है, लेकिन कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो कि कई बार आगे जाकर के उसको दिक्कत दे सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। तो उस समय हमें क्या उनका उपचार करना चाहिए? यदि ये कष्ट जो होते हैं उनकी हम शुरुआत से ही देखभाल कर लें, शुरुआत से ही उनको सही तरह से उनका उपचार कर लें, तो आगे जा करके वो कष्ट उसके बच्चे को और उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब गर्भावस्था जो अवस्था होती है, जो काफी लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें उसके शारीरिक रूप से बहुत से बदलाव आते हैं और उसी के अनुसार हम कहें तो मानसिक रूप से भी उसके अंदर थोड़े बहुत बदलाव आते हैं। तो उसको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, उसको उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। उसके परिवार के सदस्य जो है उनको भी उसके इन कष्टों को समझना चाहिए और उसको जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने में उसकी हेल्प करनी चाहिए। और जो मेन अगर हम बात करें, क्योंकि इस समय शिशु की ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो उसको बहुत ही पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। जो भोजन है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, हम अगर बात करें विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो खनिज तत्व है, जल, सबकी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। यानी कि उसको पोषक तत्व उचित मात्रा में मिले ताकि जो बच्चे का विकास है वो अच्छा हो सके। अब हम बात करते हैं गर्भावस्था के कष्ट। स्वस्थ शिशु को जन्म देने के लिए गर्भवती माँ का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि हम देखें कि अगर एक स्त्री है जो माँ बन रही है, उसको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर वो स्वस्थ रहेगी तो जो बच्चा पैदा होगा वो भी स्वस्थ होगा। प्रथम बार गर्भ धारण करने वाली स्त्री कई प्रकार के शारीरिक परिवर्तन देखकर मानसिक रूप से बेचैन व परेशान हो जाती है। जो फर्स्ट टाइम माँ बनती है स्त्री, क्योंकि उसके लिए सारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जब वो इस तरह के कष्ट देखती है, जो उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आपको पता होगा जो कॉमन इसके हम कह सकते हैं कष्ट होते हैं, स्टार्टिंग जो होती है वो होती है मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि वमन, नींद नहीं आना, पैरों में दर्द, सूजन, और कई बार कब्ज, कई बार डायरिया। इस तरह से हम देखें तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, कईयों को कुछ होती हैं, कईयों को कुछ होती हैं, देर इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो जो फर्स्ट टाइम लेडी माँ बनती है, गर्भ धारण करती है, तो जब वो पहली बार इन चीज़ों को फेस करती है तो वो मानसिक रूप से बहुत अधिक बेचैन हो जाती है। इसलिए धैर्य पूर्वक उसको बहुत तसल्ली से इन परिवर्तनों में समन्वय करना चाहिए, उसको एडजस्ट करना है इन परिवर्तनों में। जो चेंजेस आ रहे हैं उसके शारीरिक रूप से, जो चेंज आ रहे हैं उनमें उसको एडजस्ट करना है ताकि गर्भस्थ शिशु पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। अब हम बात करें तो कॉमन कष्ट कौन कौन से होते हैं और उनका हमें क्या उपचार लेना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है, दैट इज जी मिचलाना या फिर वमन, जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस। जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसके कुछ सप्ताह बाद ही उसको जी मिचलाने वाली प्रॉब्लम शुरू होती है। सबको नहीं होती, कईयों को होती है, कईयों को बहुत अधिक होती है, कईयों को बहुत कम होती है। तो देर इज वेरिएशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये बहुत कॉमन सिम्टम है। एक साइन ऑफ प्रेगनेंसी भी है कि जी मिचलाना। तो जब ये जी मिचलाना होता है, इसका क्या कारण होता है? बिकॉज देर आर हार्मोनल चेंजेस, उसके शरीर में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से उसको जी मिचलाना होता है। लेकिन कई बार कुछ और भी कारण होते हैं कि जैसे उसके शरीर में बहुत एसिड बन रहा है ना, और भी कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से उसको जी मिचलाना होता है। लेकिन मोस्ट रीजन कॉमन इज हार्मोनल प्रॉब्लम्स, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से जी मिचलाता है। स्टडीज की गई हैं, उसमें ये पाया गया है कि जो स्त्री गर्भपात कराना चाहती है, जो माँ नहीं बनना चाहती या अनमेरिड मदर्स होती हैं, उनमें ये प्रॉब्लम कम पाई गई है, और बाकी जो लेडीज जो माँ बनना चाहती हैं, जिनकी बहुत इच्छा थी, उनमें ये प्रॉब्लम थोड़ी
ज्यादा पाई गई है, ये एक शोध के द्वारा पता चला है। तो जी मचलाना क्या होता है कि शुरुआत के दिनों में ये प्रॉब्लम शुरू होती है और ज्यादातर 3 महीने के बाद ये प्रॉब्लम अपने आप चली जाती है। और कई जो स्त्रियां होती है उनको पूरे 9 महीने तक प्रॉब्लम रहती है और कईयों को ये बिल्कुल भी नहीं होती है। तो एक कॉमन साइन एंड कॉमन कष्ट जो है जो स्त्रियां जो फेस करती है वो है जी मचलाना। अब अगर हम इसके उपचार की बात करें तो उपचार क्या है इसका? उपचार तो यही है कि हम अगर किसी का बहुत अधिक जी मचला रहा है, उसको उल्टियां हो रही है, तो वो अपने भोजन में ध्यान दे, बहुत गरिष्ठ भोजन, बहुत तला हुआ भोजन नहीं ले, हल्का फुल्का भोजन ले। अगर बहुत अधिक पानी की मात्रा निकल रही है उल्टियां हो रही, तो वो थोड़ा शिकंजवी, नींबू का रस वगैरह ये अपने आहार में इंक्लूड करें। और अगर वो रात को सोते समय भी थोड़ी सी अगर देखे तो एकदम भोजन करने के बाद मत सोए, थोड़ा टहले, वॉक वगैरह अपना करें, थोड़ा लाइट फूड लेगी तो उसको ये प्रॉब्लम कम होगी। और जब वो सुबह एकदम से उठती है तो उठते सार उसको कुछ खा लेना चाहिए, जैसे टोस्ट है या बिस्किट्स वगैरह होते हैं वो खा लेना चाहिए। खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, खाली पेट रहने से जी ज्यादा मिचलाता है और उसको थोड़े थोड़े गैप में कुछ कुछ खाते रहना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर के सलाह पे वो कोई मेडिसिन टैबलेट भी वॉमिटिंग रोकने की ले सकती है। वैसे तो इसके लिए अवॉइड करना चाहिए कि वो कोई टैबलेट नहीं ले, और फिर भी कई बार जी मिचलाता है तो कोई मुंह में अच्छी चीज, सौंफ है, इलायची है, इस तरह की चीज वो मुंह में रख सकती है ताकि उसका जीना मिचला है। तो कुछ चीजों को ध्यान में रख के इस कष्ट को काफी हद तक वो उसका उपचार कर सकती है। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि दूसरे या तीसरे माह के अंत के बाद ये जो कष्ट है अपने आप खत्म हो जाता है। अब हम बात करें दूसरे प्रॉब्लम, दूसरा कष्ट जो वो फेस करती है, दैट इज कब्ज। कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन। अब ये वाली प्रॉब्लम भी बहुत गर्भवती स्त्रियों में पाई जाती है। इसका कारण ये है कि उसकी जो वेट जो होता है बच्चे का बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, और जो मांसपेशियों का जो हम ये कह सकते हैं लचीलापन थोड़ा कम हो जाता है, उसकी वजह से कब्ज की शिकायत स्त्रियों में बहुत पाई जाती है। और अब इसके लिए अब यही है कि वो ध्यान रखे कि अपने आहार में रेशे युक्त थोड़ा सा भोजन ले ताकि उसका पेट साफ हो जाए, टहले, वॉकिंग करे, थोड़ी सी भोजन करने के बाद थोड़ा सा वॉक करे, भोजन खाने के बाद एकदम से नहीं सोए, जल की मात्रा अच्छी रखे अपने भोजन में ताकि कब्ज की पीड़ा कम से कम हो, और रेशे युक्त जो हम कह सकते हैं वो ले। और फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो इसबगोल दूध में ले सकती है, रात को सोते समय गर्म दूध पिए। और फिर भी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कंसिडर करके वो कोई टैबलेट ले सकती है। तीसरी प्रॉब्लम छाती की जलन यानी कि हार्ट बर्न। छाती की जलन जिसे हृदय दाह कहते हैं, मतलब ये हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये हार्ट के आसपास जो होता है क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ रहा है, बच्चे की ग्रोथ की वजह से वहाँ प्रेशर पड़ रहा है तो उसको जलन महसूस होती है हार्ट के आसपास। तो ये हम कह सकते हैं कि इसका भी रीजन यही है, बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ चाइल्ड उसके अंदर जो बदलाव आता है, प्रेशर बनता है, उससे उसको हार्ट की जलन होती है। अब इसके उपचार के लिए उसे क्या करना है, वही सब बातें ध्यान में रखनी है कि अधिक वसायुक्त, तेल युक्त, मसालेदार जो भोजन है उसको वो अवॉइड करे। अगर उसको बहुत जलन हो रही है तो वो थोड़ा ठंडा कुछ पेय पदार्थ ले सकती है, जूस ले सकती है, और जल वाली चीजें हैं जो उनका सेवन अधिक करें, और गरिष्ठ भोजन का सेवन नहीं करें, और अपने जो दिनचर्या में वॉकिंग यानी कि थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं वॉक करेगी तो उसका जो भोजन है वो डाइजेस्ट होगा और जलन जो है वो कम होगी। और खाना खाने के तुरंत बाद ना लेटें, थोड़ा सा गैप रखें ताकि फूड जो है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। देन कम्स अपच। अपच यानी कि इनडाइजेशन। ये प्रॉब्लम भी उसी से हम कह सकते हैं रिलेटेड है, बिकॉज उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो ग्रोथ हो रही है, उससे प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ने से उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर, उसकी वजह से उसका फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा, फूड डाइजेस्ट नहीं होता है और उसको अपच की शिकायत हो जाती है। इससे कई बार बहुत अधिक वाटर लॉस हो जाता है, तो इसमें बहुत प्रिकॉशन लेने की जरूरत है कि वो अपने आहार में ध्यान दे, बहुत अधिक हैवी फूड नहीं ले, बहुत अधिक तेल वाला, तला पदार्थ, गरिष्ठ भोजन को अवॉइड करे, बहुत रेशे वाला भोजन भी नहीं ले क्योंकि उसको अपच हो रहा है, और वो पतला सेमी सॉलिड भोजन ले ताकि जो उसको आसानी से
डाइजेस्ट हो जाए, और फिर भी प्रॉब्लम हो तो वो मेडिसिन ले सकती है, अपने डेली एक्सरसाइज हल्की फुल्की वॉकिंग वगैरह अपने रखे, फ्रेश एयर में घूमे, और सोने खाना खाने के बाद थोड़ा 1-1.5 घंटे के बाद, तुरंत नहीं लेटे, थोड़ा गैप करके लेटे, और अधिक प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि इस प्रॉब्लम से कई बार अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो मिसकैरेज भी हो सकता है, क्योंकि प्रेशर लगता है, प्रेशर लगने से कई बार गर्भपात भी हो सकता है, तो इस प्रॉब्लम को उसको सीरियसली लेना चाहिए और अपने आहार में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बवासीर, बवासीर यानी कि पाइल्स, हैमरेज, ये प्रॉब्लम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि गर्भवती स्त्रियों में पाई जाती है, और इसका कारण क्या है, हमने जो देखा उसको कब्ज की शिकायत हो रही है, कब्ज की शिकायत होती है तो वो कॉन्स्टिपेशन में वो प्रेशर डालती है, प्रेशर डालने से उसको पाइल्स हो जाती है और वहाँ की जो शिराएं हैं वो फट जाती हैं और कई बार ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम इस रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन एंड अपच दोनों में ही अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो बवासीर हो जाती है और ब्लड आने लगता है, कई बार बहुत अधिक ब्लड लॉस भी हो जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहला है कि आहार पर ध्यान दें, आहार ऐसा लें कि उसका पेट आराम से साफ हो जाए। बवासीर का कई बार कारण होता है जल की मात्रा कम होना, जल जब कम होता है तो मल सूख जाता है और प्रेशर पड़ता है मांसपेशियों पे और शिराओं पे, जिससे कि रक्त आने लगता है, तो जल की मात्रा ज़्यादा लें ताकि उसका पेट साफ रहे, वॉक करें अच्छे से, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसमें मलहम वगैरह जो मिलती है बाजार में, ट्यूब्स वगैरह, उनका प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन इस समय हम ये बोलें कि इसका जो ट्रीटमेंट है सर्जरी कराना वो पॉसिबल नहीं है, तो उसको अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेकर के, दवाइयां लेकर के इसका ट्रीटमेंट करना है और अपना ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय सर्जरी कराना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आता है पेशीय ऐंठन, पेशी ऐंठन यानी कि मस्कुलर क्रैम्प्स, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो लेडीज में पाई जाती है गर्भवती, कि उसको क्रैम्प्स होता है, और क्रैम्प्स का होता है टांगों में जो पिंडलियां होती हैं वहाँ पे एकदम से क्रैम्प्स उठते हैं, और इसका कारण क्या होता है कि सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से क्रैम्प उठते हैं, सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बिगड़ जाता है, रक्त में जल की कमी हो जाती है, इसकी वजह से क्रैम्प उठते हैं, और कई बार ये बहुत अधिक कष्टदायक हो जाते हैं, तो इसके लिए वो यही कर सकती है कि अपने डाइट का ध्यान रखें, वॉक करें, और वजन आगे बढ़ रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है तो उसका प्रेशर पड़ता है पैरों में और जगह, तो उससे क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो उसको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, पैरों में अधिक बहुत अधिक दर्द हो रहा है तो वो अपना तेल वगैरह मालिश करवा सकती है, जिससे कि सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर बना रहे और ये क्रैम्प्स कम से कम हो। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कि कई बार उसको बार बार मूत्र आता है, इसके अलावा शारीरिक सूजन होती है, स्त्राव होता है योनि में, तो इस तरह और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे।